सुप्रभात बच्चों, यह कार्य कक्षा दूसरी विषय हिंदी से लिया गया है। आज हम अब तक पढ़े गए पाठ्यक्रम की दोहराई करेंगे। इस कार्य का लिखित सार आपको 3 मई 2021 को भेज दिया जाएगा। यह आवाज आपकी हिंदी अध्यापिका सुमन शर्मा की है। आइए सबसे पहले हम फलों के नाम दोहराते हैं। नंबर 1, अनार, अ न आर अनार। नंबर 2, आम, बड़ा आ म आम। फिर है केला, क ए ल आ केला। अगला है सेब, स ए ब सेब। फिर है प प ई त आ पपीता। अगला च ई क ऊ चीकू। फिर है अंग ऊर अंगूर। अगला है ख र ब ऊ ज आ खरबूजा। अगला स त र आ संतरा। फिर है त र ब उ ज तरबूज। आइए अब सब्जियों के नाम पढ़ते हैं। बड़ा आ ल उ आलू। फिर है ग आ ज र गाजर। अगला प आ ल क पालक। फिर है क र ए ल आ करेला। अगला है बैंगन बैंगन। फिर है भी ड ई भिंडी। अगला है ग ओ भ ई गोभी। फिर है मटर मटर। अगला म उ ल ई मूली। और लास्ट में है ल ओ क ई लौकी। बच्चों अब 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में आप ऊपर लिखे कार्य को दोहराएंगे। चलिए अब ब्रेक समाप्त हो गई है, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है चंद्र बिंदु की मात्रा वाले 5 शब्द लिखो। तो यहाँ आप चंद्र बिंदु की मात्रा के कोई भी 5 शब्द लिख सकते हैं। जैसे मान लिए ये पहला है आंख। कैसे लिखेंगे? आंख आंख। अगला है दांत। फिर है टांग। फिर है मुंह। उंगली। इस प्रकार आप कोई भी 5 शब्द चंद्र बिंदु की मात्रा के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में र रेफ तथा र पदेन का प्रयोग करके शब्द पूरे करो। तो चलिए अब पहला हमारा बनता है यहाँ पे कार्य, तो रेफ लगाएंगे। अगला च क, तो यहाँ पे पैर में पदेन चक्र। अब नेक्स्ट पे हम क्रम भी लिख सकते हैं और कर्म भी लिख सकते हैं। अगर क के पैर में पदेन लगाएंगे तो क्रम, अगर रेफ लगा दिया तो कर्म। फिर ट्रक, अब ट और ड के नीचे ये उल्टी वी वाला र। फिर है मार्च, अब देखिए मार्च। फिर है प्रश्न। अगला है प्रेम।
अगला आएगा धैर्य, नेक्स्ट ग्रह, फिर पार्क, फिर ट्रेन उल्टा बी का निशान, फिर ड्रम, अगला है प्रथम, फिर है पर्व। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे र रेफ तथा र पदेन के शब्द। आगे सभी विद्यार्थी अपनी पसंद के 7 रंगों के नाम लिखेंगे। यह कार्य आप स्वयं अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो इसी के साथ आप इस सारे कार्य की दोहराई अच्छी तरह से करेंगे। धन्यवाद।